जाके आप सबको दिखाने वाले हैं। तो चट्टान के बीच में ये मंदिर स्थित है और बहुत सारे देवता को तो यहाँ पे नहीं पहचानते हैं। दक्षिणा जो देना हमारे लिए दे दीजिएगा, हम इधर से नया आना है आप लोगों को। और गाइस अभी आपको दिखाते हैं एक चीज जो कि सुल्तानगंज में नया हुआ है, वो है ये। मंदिर बहुत ही अच्छा लगा, मतलब। और ये रहा मंदिर जो कि अभी हम स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं पीछे आप सबको दिख रहा होगा अजगैबीनाथ धाम, तो यही है अजगैबीनाथ धाम का मंदिर। और इस मंदिर का खासियत जो कि है बहुत ही प्रसिद्ध, यह है ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर इसे बोला जाता है। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं सावन में यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए। और जल भी इस देख सकते हैं यहाँ पर गंगा घाट है, यहीं से जल लेते हैं और यहाँ पे मंदिर में अर्पण करते हैं। तो अभी हम जाके दिखाने वाले हैं इस मंदिर के भीतर कि क्या क्या चीज़ है इस मंदिर के अंदर। तो गाइस चलिए चलते हैं, बने रहिए इस ब्लॉग में। अजगैबीनाथ मंदिर जाने के लिए आप सबको इस ब्रिज से होकर जाना पड़ेगा और ये ब्रिज अजगैबीनाथ मंदिर तक ही जाता है और जो कि है स्पेशल अजगैबीनाथ मंदिर के लिए बनाया गया। तो आइएगा इस यहाँ पे चलिए। और यहाँ पे जैसे ही चढ़ेंगे तो यहाँ पे बोर्ड है, लेकिन यहाँ पे अभी बोर्ड जो है सब कुछ उजाड़ दिया है। और ये है शनिदेव का मंदिर जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आइए यहाँ पे मैं आपको दर्शन कराता हूँ शनिदेव का। तो यहाँ पे शनिदेव का मंदिर है और जैसा कि देखते हैं यहाँ पे शनिदेव का मंदिर है और यहाँ पे एक बर का गाछ है, देख सकते हैं बहुत बड़ा विशाल है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आश्रम है जो कि श्रद्धालु लोग आएंगे तो यहाँ आराम कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे बम जो है यहाँ पे पहले से ही आराम कर रहे हैं। और उधर गंगा जी है, मैं अभी आप सबको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ चलते हैं सीधे, आप सबको पहले मंदिर दिखाते हैं फिर आप सबको वहाँ गंगा जी जा करके दिखाएंगे। गाइस यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं, लाल पीला हरा ब्लू सब रंग के यहाँ पे बल्ब लगे हुए हैं। और यहाँ से देख सकते हैं नज़ारा कुछ मतलब क्या ही एकदम खूबसूरत नज़ारा आप सबको दिख रहा होगा। देखते हैं इधर ही हरियाली है और इधर भी हरियाली है, लेकिन हालांकि सावन आते आते यहाँ पे पूरा पानी जमा हो जाएगा यहाँ पे भी और पूरा जो कि है डूब जाएगा चारों साइड से जो कि है मंदिर के पानी आ जाएगा। और यहाँ पे बम जो है कांवरिया सब जो है अब आना स्टार्ट होगा क्योंकि अभी सावन जो कि आने में कुछ देर बाकी है और सावन आते आते यहाँ पर बहुत सारे चीज़ हो जाएंगे और वो सब भी अपडेट मैं आप सबको देता ही रहूँगा। तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से और भी मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। तो चलिए बने रहिए इस ब्लॉग में, अभी आपको और भी चीज़ें दिखाना बाकी है। तो गाइस देख सकते हैं हम मंदिर पहुँच चुके हैं, मतलब मंदिर के यहाँ देख सकते बगल में मंदिर है और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। हालांकि अभी उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है जितना सावन में होता है, लेकिन सावन होते आते यहाँ पर भीड़ रहेगा, इतना भीड़ रहेगा कि यहाँ पर लोग आते जाते रहेंगे और आप सबको मतलब जगह नहीं मिलेगा चलने का। तो गाइस देख सकते हैं अजगैबीनाथ मंदिर का बाहर का व्यू किस प्रकार से दिख रहा है। अजगैबीनाथ मंदिर अभी करीब जाके आप सबको दिखाने वाले हैं। तो चट्टान के बीच में ये मंदिर स्थित है और ये मंदिर देखते हैं ऊपर पे सबसे ऊंचा आप सबको दिख रहा होगा और अंदर की खूबसूरती तो और भी काफ़ी ज़्यादा मनमोहक है। तो चलिए चलते हैं और आप सबको दिखाते हैं अंदर जा करके क्या क्या चीज़ इसके अंदर है। अरे वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल। अच्छा कैसा लगा मंदिर घूमने का? मंदिर बहुत ही अच्छा लगा, तो वैसे मतलब हम तो आते हैं हर साल ही आते हैं, हर साल आते हैं ऐसे पैदल सुल्तानगंज से जल उठा के देवघर पैदल जाएंगे। अभी पैदल जाने वाले? हाँ अभी पैदल जाने वाले, शाम को जल उठा के पैदल आएंगे। आए थे कल खाना क्या? आज नहीं, आज सुबह ही सुबह ही पहुँचे। तो गाइस ये रहा वो ब्रिज जिस ब्रिज से हम आए हैं और ये रहा मंदिर जो कि अभी हम जाने वाले हैं अजगैबीनाथ मंदिर। तो चलिए चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं सीढ़ी है और इस रास्ते से हम सब जाने वाले हैं अजगैबीनाथ मंदिर। तो यही मेन रास्ता है, इधर से जाएंगे और चप्पल जो है यहाँ पे खोल देंगे गेट और यहाँ पर जैसे एंट्री कर रहा है यहाँ पर पानी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब कुछ ऐसा देख सकते हैं मंदिर का व्यू आपको फर्स्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, वो रहा मेन गेट इस तरह से अंदर। आइए आप सबको अब मंदिर का टूर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी मूर्ति है बहुत सारे और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं भोलेनाथ का यहाँ पे सीढ़ी है, यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है और यहाँ पे गणेश जी का मूर्ति है, यहाँ पे बहुत सारे मूर्ति है और यहाँ पे देख सकते हैं पत्थर में भी यहाँ पे समाया हुआ है मूर्ति। तो बहुत सारे मूर्ति और देखते हैं यहाँ पे जैसे देखते हैं यहाँ भी चट्टान है और इसको देखते हैं किस तरह से बनाया गया। तो चलिए अब ऊपर भी दिखाते हैं आप सबको। ये देखिए गाइस यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे भी यहाँ पे रास्ता यहाँ जाने और इस छत पे भी जा करके व्यू काफ़ी प्यारा आप सबको देखने को मिलेगा और पूरा व्यू यहाँ से आप सबको दिखेगा इस छत से।
तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आप सबको नंदी दिखेगा और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसके कान में कुछ भी बोलेंगे तो आपको मन्नत वो पूरा हो सकता है। और यहाँ पे देखते हैं शिवलिंग भी है और अभी मैन मंदिर आप सबको दिखाने वाले हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं, आप सबको मंदिर भी दिखा। दक्षिणा जो देना हमारे लिए दे दीजिएगा, अभी इधर से नहीं आना है आप लोगों को। तो गाइस जैसा कि मैंने आप सबको मंदिर दिखा दिया और अभी अभी बचा ही है, बहुत सारे आप सबको मूर्ति देखने को मिलेंगे और बहुत सारे भगवान आप सबको देखने को मिलेंगे। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे भगवान यहाँ पे आप सबको देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे देवता को तो यहाँ पे नहीं पहचानते हैं, लेकिन यहाँ पे नाम दिया रहता तो पहचानने में आसानी होता। और एक ही नहीं, बहुत सारे हैं, जैसे कि माता अन्नपूर्णा देवी यहाँ पे जैसा कि है। और यहाँ पे कष्ट हरणी पैसा न है तो बाबा यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं, देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे है एक पेड़ का है जो अनार का पेड़ है, अनार का पेड़ है। और यहाँ पे है सूर्य देवता, देख सकते हैं यहाँ पे। और बहुत बड़ा सा घंटी है। और यहाँ से नीचे का व्यू आपको दिखेगा, कुछ इस प्रकार का व्यू दिखेगा। और अभी और भी बाकी है तो चलिए अभी आप सबको दिखाते हैं। तो गाइस इस मंदिर में छोटा छोटा रास्ता है, गुफा टाइप का, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में है तो कम रास्ता, जैसा रास्ता बना उस तरह से बना दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं तो अब नीचे चलते हैं और नीचे भी जाते जाते आप सबको बहुत सारे मंदिर आप सबको देखने को मिलेंगे। बात बोल दिए पहले तो लगा दिया। और यहाँ ऐसा कि संकट मोचन मंदिर बजरंग बली का आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो किस टाइप का यहाँ पर इस मंदिर में बजरंग बली का मंदिर कि आपको को दिखा है यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर। और यहाँ पे देखने कुछ इस प्रकार का यहाँ पे बना हुआ है, चाहे तो आप यहाँ पे टहल सकते हैं। और यहाँ से आप सबको व्यू जो है काफ़ी प्यारा व्यू आप सबको देखने को मिलेगा। तो गाइस देखते रहें, ये है पुरानी गंगा घाट जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि सुल्तानगंज में दो गंगा घाट है, एक सीढ़ी घाट है और ये पुरानी गंगा घाट है। और यहाँ पे देखते हैं एक यहाँ पे देख सकते हैं एक पत्थर है और उसमें देख सकते हैं मूर्ति बना हुआ किस प्रकार का, देख सकते हैं। और गाइस अभी आप सबको दिखाते हैं एक चीज़ जो कि सुल्तानगंज में नया हुआ है, वो है ये ध्वज, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ध्वज है जो कि इधर ही हाल फिलहाल में यहाँ पे हुआ है। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और शायद ऊपर में बोलता है तिलछुल लगा हुआ है। तो गाइस चलिए अब नीचे चलते हैं और आप सबको वो मंदिर दिखाते हैं, वो अभी लास्ट बचा हुआ है, उस मंदिर को जाएंगे, उस मंदिर को दिखाएंगे और फिर उसके बाद आने का ये है सीढ़ी। और यहाँ से जस्ट आने के बाद देखते हैं यहाँ पे तीन शिवलिंग आपको दिखेगा और ये सब शिवलिंग अपने अपने आप में ही प्राचीन है। और आइए आप सबको और भी दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पहाड़ों में जो कि है, देख सकते हैं किस तरह से चित्रकारी किया गया है। और यहाँ पे देखते हैं मूर्ति है, जैसा कि देखते हैं वहाँ पे शिव जी है, यहाँ पे पार्वती और यहाँ पे नारद मुनि, और शायद उतना पहचान में नहीं आ रहा है। और चलिए आप सबको यहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर आप सबको दिखाते हैं और भी है मूर्ति नीचे। तो गाइस देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा चट्टान है यहाँ पे, देखते हैं बहुत बड़ा गुफा टाइप का है। और इस चट्टानों से होते हुए हम सबको नीचे जाना पड़ेगा। और इधर से जाते हुए और किधर रास्ता, इधर भी रास्ता है और एक इधर इधर पर जाते हैं, फिर चलिए इधर चलते हैं। और यहाँ भी आप सबको देख सकते हैं बहुत सारे मूर्ति आप सबको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखा दे, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे मूर्ति आप सबको दिखेंगे। और प्रसाद चढ़ाने के बाद बोले तो सभी पर
प्रसाद चढ़ाया जाता है। अभी तो ये फिलहाल सूखा है लेकिन सावन के दिन में जो कि है, और वहाँ पे देख और जग देख सकते काफी ज्यादा एकदम प्यारा लग रहा है। यहाँ पे देख सकते व्यू काफी मस्त लग रहा है। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे इस तरह से मूर्ति देख सकते हैं देखने के लिए मिलने वाला। तो इधर से आप होके डायरेक्टली मंदिर के बाहर जा सकते हैं। तो रास्ता बहुत है, मतलब दो तीन रास्ता है मंदिर से बाहर निकलने का। जैसा कि अभी हम सब बाहर निकलते हैं, चलिए। तो गाइस इधर से बाहर हम लोग निकल गए। आइए आप सबको ये मंदिर बताता है, इसका भी दर्शन आप सबको करवा ही देते हैं। ये सीढ़ी गाइस, इस सीढ़ी से होकर के चलते हैं हम और लाल जीत दोनों। चल मिक्स कर देते हैं। पार्वती का मंदिर, हाँ। तो गाइस यहाँ पर ये है श्री माता पार्वती का मंदिर, और कुछ इस तरह का व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें जो गेट है हमेशा बंद ही रहता है, ओपन होता है कभी कभी, पर देख सकते हैं अभी फ़िलहाल में चारों साइड से बंद है। तो गाइस श्रावणी मेला 2024 का जितना भी अपडेट होगा इस चैनल पे आप सबको देखने को मिलेगा। सुल्तानगंज से रिलेटेड, घाट से रिलेटेड, या अजगैबीनाथ धाम से रिलेटेड, या अजगैबीनाथ मंदिर से रिलेटेड जितना भी अपडेट होगा इस चैनल पे मैं वीडियो लाऊंगा। सारा वीडियो इस चैनल पे आप सबको मिल जाएगा। और हाँ, हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। एंड तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ एक प्यारा से कमेंट करते हुए जरूर जाएं। तो मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग के साथ। और हाँ, अगर आप सबको सुल्तानगंज गंगा घाट का वीडियो देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो गाइस अभी आप सबको एक चीज़ दिखाते हैं, देख सकते कितना ऊँचा ये ध्वज है, ऊपर देखते कितना ऊँचा ये ध्वज है और किस तरह से लहरा रहा है। कम से कम ये अभी आप सबको आगे दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, और सब कुछ आप सबको बताने वाले हैं। इसमें जितना भी जानकारी होगा मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, आप सब इसमें पढ़ सकते हैं और क्या क्या स्क्रीनशॉट इसका लगा देंगे हम। और यहाँ पे देखते हैं कितना बड़ा ध्वज है, ये देखते हैं बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ा ध्वज है।